गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इन द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा काफी टाइम हो गया हमें, हमने रिक्रूटमेंट शुरू किया था तब, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाए थे ड्यू टू ओवर टाइम। तो आज वो चीज दोबारा हम थोड़ी सी डिस्कस करके और इसके आगे जो सिलेक्शन टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन जो है आपको मैं अभी बताता हूँ। हाँ जी, रिक्रूटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो बेसिकली किसी भी कंपनी को जब किसी एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है तो वो रिक्रूटमेंट करता है थ्रू वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है। वो उस वैकेंसी को फिल करता है विद द एक्सपीरियंस पर्सन और विद द फ्रेशर पर्सन। That process is called recruitment, ठीक है? It refers to the process of searching, attracting, motivating and selecting qualified people for jobs in organization. मतलब जब भी किसी भी organization में कोई job निकलती है या vacancy होती है तो किसी भी process में उस job के लिए search करना, attract करना और motivate करना qualified people को कि वहां पे काम करें, और उस process को हम बोलते हैं recruitment, ठीक है। सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। किसी भी राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, ठीक है। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इम्प्लॉयज एंड द जॉब सीकर। अब ये क्या है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जो इम्प्लॉय जिनको जो जॉब देना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में जो लिंक बना रहा है वो दैट इज रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब सोर्सेज क्या है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, फिर भी चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इंटरनल में आ जाता है ट्रांसफर, प्रमोशन, अपग्रेडिंग, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय रेफरल्स, जॉब पोस्टिंग। दैट मीन्स इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही पॉलिसी के अंडर वो कोई भी कोई वैकेंसी को फिल कर लेते हैं, ठीक है। That is called internal resources. Next is external resources, जो हम बाहर के sources से जो search करते हैं किसी भी person को कि हमारी company के लिए काम कर सके, that is called external resources, ठीक है। एक तो होता है within the company employed only और उसको vacancy में डाल दिया कि ये आपकी vacancy fill हो गई। एक होता है बाहर से किसी employee को लेके आना ताकि वो अपनी वैकेंसी, कंपनी की वैकेंसी को फिल कर सके, ठीक है। सो वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इसमें आ जाता है प्रेस एडवर्टाइजमेंट, ये सोर्स है इसका, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, रिक्रूटमेंट ऑन गेट, दैट इज कॉल्ड ऑफ कैंपस। सो ये आप डायग्राम अपनी कॉपी पे साथ साथ में आई होप बना लोगे, ठीक है। इससे आपका ये क्वेश्चन जो है वो फाइनल हो जाएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर जो है इसकी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है ट्रांसफर, प्रमोशन, अपग्रेडिंग, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय रेफरल्स, जॉब पोस्टिंग। एक्सटर्नल में आ जाता है प्रेस एडवर्टाइजमेंट, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, रिक्रूटमेंट ऑन गेट। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है, द सोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ to fill the position are known as internal sources of recruitment. वो वाले sources जो organization में internally use होते हैं, मतलब itself वो organization खुद भरती है अपने अंदर ही जो employees हैं उनसे वो जो next vacancy है उसको fill कर देती है, that is called internal sources. It is very important but they cannot be used to fill every vacancy in the organization. But हर vacancy के लिए ये जो internally है वो उसको fill नहीं कर सकते। So, ये कुछ इंपॉर्टेंट तो होती है बट हर वैकेंसी जो है वो फिल नहीं कर सकते इससे, ठीक है। सोर्सेज के बारे में बताया है, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब कोई मान लो चंडीगढ़ में काम कर रहा है तो उसको लुधियाना में जॉब को शिफ्ट कर दिया गया, अब वो इंटरनली किया है उन्होंने, ठीक है। बाहर से कोई एम्प्लॉय नहीं उसके लिए रखा, उन्होंने चंडीगढ़ से एम्प्लॉय को उठाया और लुधियाना में शिफ्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। इट मे लीड टू चेंजेस इन द ड्यूटीज। इसमें क्या क्या आ सकता है कि ड्यूटीज चेंज हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्किंग कंडीशन जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की चेंज हो सकती है। तो दैट वॉज अ फर्स्ट सोर्स। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है, इट इज अ शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन। किसी भी एम्प्लॉय को किसी हायर पोजिशन में, जैसे कोई हायर पोजिशन वाला रिटायर हो जाता है तो उसकी पोजिशन में जो लोअर रैंक वाला था उसको प्रमोट कर दिया गया,
वो भी एक इंटरनल सोर्स है. इट इन्वॉल्व हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड सैलरी. नेक्स्ट इज जॉब पोस्टिंग. जॉब पोस्टिंग में क्या है, इन दिस द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसाइजेज जॉब ओपनिंग्स ऑन बुलेटिन बोर्ड्स. इट ऑफर्स अ चांस टू हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज टू लुक फॉर ग्रोथ विद इन द कंपनी. अब एक जैसे मान लो कि पोस्ट खाली होती, कोई भी छोड़ के चला जाता है, दैट मे बी हायर और लोअर, तो उसके लिए एक बुलेटिन बोर्ड उनका होता है या नोटिस बोर्ड जिसको कहते हैं, वहां पे वो अपनी पोस्ट डालते हैं या एक नोटिस डालते हैं. तो कोई भी अगर फिल करना चाहता हो तो इंटरनल पेपर होता है उसका, ठीक है. तो वो ग्रोथ के लिए होता है कि कोई भी बंदा जो है वो अपनी स्टडी पूरी कर चुका है और उसको ग्रोथ चाहिए कंपनी में, तो ऐसे जॉब पोस्टिंग से वो फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेफरल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल होता है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में. इससे क्या होता है कि इट मीन्स यूजिंग पर्सनल कॉन्टेक्ट टू फिल द जॉब वैकेंसीज. द करंट एम्प्लॉयज आर इनकरेज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इसमें कोई भी जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है उसको यूज करते हैं किसी जॉब को फिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एम्प्लॉय का जो रिलेटिव है उसने अपनी स्टडी पूरी कर ली है और उसी स्टडी के रिलेटेड कोई कंपनी में जॉब फ्री है उनकी कंपनी में, तो वो क्या करते हैं कि पर्सनल कॉन्टेक्ट दे देते हैं कि अपनी रेफरेंस दे देते हैं कि इसको रख सकते हो आप फॉर द जॉब. दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय रेफरल, ठीक है. नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या है. These employees are motivated to improve their performance. इससे वो मोटिवेट होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते रहते हैं. मोराल ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज, उनका मोराल बूस्ट हो जाता है. चीपर एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज, इसमें जो कॉस्टिंग आती है रिक्रूटमेंट की, दैट इज वेरी लेस, ठीक है. कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी पड़ती, इंटरनली सब कुछ जो है वो वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं. लेबर एब्सेंटिज्म इज रिड्यूस. अब जब पता हो सबको कि मेरी जो प्रमोशन हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है, तो एब्सेंटीज कम होते हैं वो एम्प्लॉयज. They remain loyal to the organization, उनकी लॉयल्टी बनी रहती है. Last, the better relationship between employer employee produce. ठीक है, these are the some advantages. कुछ disadvantages भी हैं. It limits the choice of selection. अब जो अंदर बंदे काम कर रहे हैं सिर्फ उनमें से ही चूज करना है, तो लिमिटेशन आ जाती है कि इनमें से ही किसी को रखना पड़ेगा, ठीक है. Discourage the talented person. अब जो talented person है वो बाहर, जो मान लो बहुत सारी स्टडी करके बैठे हुए हैं या जिनको experience है, but they are not getting their job, तो वो उनकी जो कहते हैं capability वो वैसे की वैसी रह जाती है, वो internally fill हो जाती है job. Next, based on length of service rather than talent. अब इसमें क्या होता है कि दो बंदे अगर काम कर रहे हैं, एक ने 10 years complete किए, एक ने 8 years complete किए, but जो 8 year complete किए वो ज्यादा talented है rather than the other person. तो जो इसमें प्रमोशन होगी वो 10 ईयर वाले की होगी, ठीक है, बिकॉज इस क्राइटेरिया में इंटरनल सोर्सेज में लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाती है rather than the talent. ये डिसएडवांटेज है. लास्ट, लीड्स टू हार्ट बर्निंग जेलसी बिटवीन एम्प्लॉयज. कोई भी अगर इसको ट्रांसफर या प्रमोशन हो जाती है तो दूसरे बंदे जो होते हैं उनमें जेलसी फैक्टर आ जाता है. सो दिस इज दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज. नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज. इसमें क्या है, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज आर नोन एज एक्सटर्नल सोर्सेज. मतलब हम बाहर से किसी को कहें कि हमारी जॉब को फिल करना आप फिल कर सकते हैं, तो उस सोर्सेज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है. इट इज यूज्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड द फ्रेश कैंडिडेट फॉर देयर कंपनीज. और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है. कॉमनली यूज एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं. फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, प्रेस या एडवर्टाइजमेंट. In this, the advertisement is given in newspaper, journals, employment news. In this, brief information regarding post, area, package, eligibility of educational qualification and age is given. एक advertisement निकलती है proper newspaper में, journal में या employment news में, according to उसमें जो information दी होती है regarding the post, कहाँ पे posting है, package क्या होगा, eligibility क्या होगी, educational qualification की, और age factor क्या होगा, कितनी age तक भर सकते हैं, तो वो सारा दिया होता है उसमें. According to that, जो qualified या जो eligible candidates हम उसके लिए fill कर देते हैं उस post. नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. वो कॉलेजेस में जाके या ऑन कैंपस भी बोलते हैं इसको. अब हमें पता है कि जो जिस कोई टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अपनी रिक्रूटमेंट करेगी, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे जो उनकी डिमांड के लिए उनको एम्प्लॉयज मिल सकते हैं या फ्रेश कैंडिडेट्स मिल सकते हैं. ऐसे ही कोई हॉस्पिटल वालों को अगर जॉब की वैकेंसी खाली है तो वो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, ठीक है. कोई मैनेजमेंट कंपनी को अगर कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है तो वो मैनेजमेंट कॉलेज के पास जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट या ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट. वेरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस आर गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग. दे प्रोड्यूस क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड
मेडिकल स्टाफ। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई एक्सचेंज होती है। दीज आर रन बाय गवर्नमेंट एंड गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ऑफ अनस्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर। इसमें क्या होता है कि हर एम्प्लॉय, हर जो स्टूडेंट होता है या जो यंग एज का पर्सन होता है, वो अपना डाटा जो है फिल करके रख सकता है विद देयर क्वालिफिकेशन, एज या सब कुछ, अपना सीवी या रिज्यूम वहाँ पे सबमिट कर सकता है। तो जब कभी भी कोई किसी कंपनी को जरूरत होती है किसी वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो डाटा उठा के उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार होते हैं। These are also good source of recruitment of labor workers. The contractor in this supply manpower to the construction work factories or manufacturing plants. ये क्या करते हैं कि daily base पे जितने labor की जरूरत पड़ती है किसी company को, according to that वो contractor से बोल देते हैं और वो contractor आगे उनको भेज देता है for as a daily basis, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को बोल दो मुझे 10 बंदों की लोड है, तो वो 10 बंदे लेबर जो है उनके कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो उनको जॉब के लिए भेज देते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क पे, फैक्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में, ठीक है। लास्ट इज रिक्रूटमेंट ऑन गेट या ऑफ कैंपस। हम देखते हैं काफी कंपनीज के बाहर लिखा होता है आवश्यकता है या जरूरत है, नीचे उसके बारे में डिटेल दी होती है कि दो कारपेंटर, दो लेबर वर्कर्स या दो ड्राइवर्स, ऐसे दिया होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट ऑन गेट, या जो है वो अपनी वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट जॉब करियर का एक उनका कॉलम होता है, वहां पे फिल कर देते हैं कि ये पोस्टिंग की जरूरत है, तो वहां से कैंडिडेट डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्सेज या रिक्रूटमेंट ऑन गेट ऑफ कैंपस, इसको वॉक इन इंटरव्यू भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉक इन इंटरव्यू। सो दीज वर द एक्सटर्नल सोर्सेज, इसके एडवांटेजेस क्या है। अब चॉइस बढ़ गई कि सबको पता चल गया कि हमें ये बंदे चाहिए, और उस एलिजिबिलिटी में काफी सारे टैलेंटेड पर्सन भी आ सकते हैं, तो उनकी चॉइस बढ़ जाती है कि किसको चूज करना है। इट ब्रिंग्स पीपल विद स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज, और वो बंदे भी पार्ट लेंगे इस रिक्रूटमेंट में जो स्पेशल स्किल्स रखते हैं और नॉलेज रखते हैं। इट ब्रिंग्स न्यू आइडिया एंड कम्पिटिटिव एटमोसफेयर इन ऑर्गेनाइज। अब अगर कोई भी 100 पोस्ट निकली किसी इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें 1000 ऑफ इंजीनियर्स आ जाते हैं, और उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, और नए नए आइडियाज वाले इंजीनियर्स आते हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो प्रोड्यूस न्यू टैलेंट, ठीक है, टैलेंटेड पर्सन भी आते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली मेथड है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कंज्यूम्स मोर टाइम टू रिक्रूट द पर्सन, और उसमें महीने भी लग जाते हैं कोई भी पीपल को रिक्रूट करने के लिए। द प्रेजेंट एम्प्लॉयज लूज देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अब जो पुराने बंदे होते हैं वो उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो कम हो जाती है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि नए बंदे आ गए हैं तो इनकी ज्यादा जो डिमांड होगी या टैलेंट इनमें ज्यादा है, तो हमारी जो है स्टेटस कम हो जाएगा या रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। सो दे लूज देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दीज वर द डिसएडवांटेजेस। अब रिक्रूटमेंट पार्ट खत्म हो गया हमारा, अब नेक्स्ट इज सिलेक्शन पार्ट, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बाद जो होता है प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, द इमेज ऑफ द कंपनी, प्लेस ऑफ द पोस्टिंग, नेचर ऑफ द जॉब, कंपनसेशन पैकेज एंड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिक्रूटिंग एफर्ट ऑफ अ कंपनी। अब जो रिक्रूटिंग एफर्ट्स हैं वो क्या क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि रिक्रूट कैसे करती है कंपनी, एक तो कंपनी की इमेज कैसी है उस पे, एक तो पोस्टिंग की जगह कौन सी है, ठीक है, नेचर ऑफ द जॉब क्या है, कंपनसेशन पैकेज क्या दे रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट में एक बहुत अच्छा फैक्टर होते हैं कि उतनी अच्छी रिक्रूटमेंट होगी जितना अच्छा ये सारे फैक्टर्स होंगे, ठीक है। The recruitment process provides a pool of applicants for selection. अब recruitment में से जो बंदे select होने हैं वो किस process के through निकलेंगे, selection process के through, ठीक है। कि हमने advertisement दे दी या हमने contractor को बोल दिया या हमने internal sources या external sources में कोई भी जो process है वो कर दिया, अब उसके बाद है selection, क्या कौन सा बंदा जो है वो eligible है for the right post, उसको जो ढूंढना है, that is called selection. अब जो रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, बिकॉज देयर इज नो रिजेक्शन, उसमें कोई रिजेक्ट नहीं करते, उसमें कोई भी इंटरव्यू देने आ सकता है, ठीक है, या कोई भी जो है टेस्ट देने के लिए आ सकता है, वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। बट इन द सिलेक्शन मेनी एप्लीकेंट्स गॉट रिजेक्टेड, सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। बट सिलेक्शन में बहुत सारे एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट भी किया जाता है कंपनी के द्वारा, सो यह क्या है, नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है।
इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, टू चूज और पिकिंग राइट इंडिविजुअल फॉर द सुटेबल वैकेंसी, ठीक है, किसी बंदे को पिक करना, राइट बंदे को फॉर द राइट वैकेंसी, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वीड आउट इन एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल हायर्स। वीड आउट का मतलब बाहर निकालना, किसी भी अन एलिजिबल कैंडिडेट को बाहर निकालना फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल हायर्स, ठीक है। पहला चीज की अगर 100 बंदे जॉब के लिए आए हैं तो 100 में से जो 10 हैं वही टैलेंटेड हैं या वही नॉलेज वाले हैं, बाकियों को उनको नहीं रखा जाता, उनको वीड आउट कर दिया जाता है। सो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, टू इंश्योर ऑल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें एक प्रॉपर बायसिंग जो है वो खत्म की जाती है कि और सारे प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के द्वारा होंगे वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के होंगे, कि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू गेट द जॉब, ठीक है। टू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स विद द स्किल्स क्वालिटीज एंड एबिलिटीज, और जो अट्रैक्शन होगी वो उस कैंडिडेट्स से होगी जो स्किल्ड होंगे या क्वालिटीज रखते होंगे कुछ, या उनके पास एबिलिटीज होगी काम करने की, ठीक है। टू इंश्योर ऑल सिलेक्शन आर मेड ऑन मेरिट बेस्ड, अब वो जो सिलेक्शन होगी वो मेरिट बेस्ड पे होगी, जिसके पॉइंट्स ज्यादा बने होंगे उनको ही जॉब मिलेगी, ये चीज इंश्योर करते हैं सिलेक्शन। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंटरव्यूइंग एवरी सिंगल कैंडिडेट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में अगर मान लो 1000 बंदा आ गया तो उनके पास वो 1000 बंदों को जो चूज करने की वो होगी, क्या कहते हैं, टाइमिंग होगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उनकी इंटरव्यू लेना या उनके द्वारा हर किसी की स्किल्स चेक करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो सिलेक्शन से क्या होगा, बर्डन कम हो जाएगा इंटरव्यू का, ठीक है। वो कैसे होगा आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आर क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड वैलिड फॉर जॉब, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा इस सिलेक्शन के लिए वो बहुत क्लियर होगा कि इतने बंदे चाहिए, इतने ही चाहिए होंगे, ट्रांसपेरेंट होगा, सबको उनके मार्क्स पता चल सकते हैं, और वैलिड होगा जॉब के लिए, कि जो जैसे जो प्रोसेस होगा वो जॉब जैसी है वैसे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये 10 मार्क्स का अकेला ही आ जाता है, तो आप इसके जो स्टेप्स है वो याद रखने। सबसे पहला स्टेप होता है जॉब एनालिसिस, कि जॉब है क्या, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म गैदर करते हैं वो, कि जिन जिन एडवर्टाइजमेंट दे दिए अब सबके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट, टेस्ट होता है जिसको हम प्री एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनिशियल इंटरव्यू, फिर जो टेस्ट में क्लियर होते हैं उनकी इंटरव्यू होती है। नेक्स्ट उनका मेडिकल एग्जाम होता है, ठीक। और नेक्स्ट इज रेफरेंस चेक, कोई उनकी रेफरेंस चेक की जाती है कि वो जो अपना डाटा दे रहे हैं दैट इज वैलिड और नॉट। लास्ट में फाइनल इंटरव्यू या फाइनल टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एचआर इंटरव्यू, और उसके बाद जो है जॉब ऑफर दे दी जाती है किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है। सो ये प्रोसेस है, सबसे पहला जॉब एनालिसिस, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, थर्ड इज एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट, इनिशियल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम, रेफरेंस चेक, फाइनल इंटरव्यू। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जॉब एनालिसिस, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये फर्स्ट स्टेप आपने ऐसे ही लिखना है, ये सिलेक्ट ऐसे स्टेप वाइज लिखना है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्लियर एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। अब उसके बारे में जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, कि एक पेज दिया होता है एडवर्टाइजमेंट का, कि यहाँ पे क्लिक करें आपको उसका लिंक मिल जाएगा वेबसाइट में या जॉब में, कि आप उस पेज पे जाओ और उस पे क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग द जॉब वो दी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस या जॉब स्टडी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इट गिव्स अ डिटेल ऑफ अ जॉब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है कि ये चीज इकट्ठी करनी पड़ती है बाय द एम्प्लॉयर, ठीक। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट। अब दूसरा स्टेप है कि वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उस जो उनकी वैकेंसी खाली हुई थी या जॉब के लिए, उसमें वो ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सारी नहीं देते, एक लिंक दे देते हैं उसमें सारी एडवर्टाइजमेंट पड़ी है, बट जो छोटा सा पेज बना के न्यूज़पेपर में या किसी भी सोर्स में वो दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर अट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, इंटरनेट, बुलेटिन, एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड मेनी मोर फील्ड्स, ठीक है। थर्ड फॉर्म है, थर्ड प्रोसेस इज एप्लीकेशन फॉर्म या थर्ड स्टेप ऑफ सिलेक्शन इज एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या होता है कि सारे जो एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स हैं वो अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको ऑनलाइन फिल करते हैं या ऑफलाइन जो है वो कंपनी को भेजते हैं,
तो उसको कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है. इन दिस एप्लीकेंट्स गिव रेलेवेंट पर्सनल डाटा. उसमें क्या होता है, एप्लीकेंट्स का पर्सनल डाटा होता है, सच एज क्वालिफिकेशन, उसका जो रिज्यूम, उसके सर्टिफिकेट्स, उसकी स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग्स, एज प्रूफ होता है, उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंस और उसका रेफरेंस होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट. फिर उनको कॉल की जाती है टेस्ट के लिए. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. ठीक है. इट इज यूज टू सेस द कैंडिडेट्स नॉलेज. इसमें क्या देखा जाता है, कैंडिडेट की कितनी नॉलेज है, उसकी कितनी एबिलिटीज है एंड नेचर है. ठीक है, उसकी नेचर कैसी. इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी टेस्ट हो सकता है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट या बेसिक टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट भी बोलते हैं इसको. ठीक है. सो ये एक टेस्ट होता है सबसे पहले. नेक्स्ट, जो कैंडिडेट्स उस टेस्ट में से क्लियर हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, बाकियों को कॉल नहीं की जाती. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप इज इनिशियल इंटरव्यू. द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट हु क्लियर द प्रीलिमिनरी टेस्ट गॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल इंटरव्यू नोन एज स्क्रीनिंग इंटरव्यू. इसको हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी बोलते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सॉर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर सॉर्टिंग ऑफ, मतलब कि कौन से कैंडिडेट की सॉर्ट किया जाता है, कि इसके कितने मार्क्स आएंगे या मेरिट बनती है इसके द्वारा. ठीक है. इट हेल्प्स द डिपार्टमेंट टू स्क्रीन आउट अनसुटेबल कैंडिडेट. और वो अपने जो फेस टू फेस है वो किसी को अगर स्क्रीन आउट करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में कर सकते हैं. ठीक है जी. मेडिकल एग्जाम. उसके बाद जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं उनको मेडिकल एग्जाम के लिए भेज दिया जाता है. कैंडिडेट हु क्रॉस द अबव मेंशन्ड प्रोसेसेस आर सेंट फॉर मेडिकल एग्जाम. इट इज टेकन बिफोर अपॉइंटमेंट. इसमें क्या होता है, वेदर द कैंडिडेट इज मेडिकली फिट फॉर द जॉब और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, रेफरेंस चेक. अब इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स के जो भी डिटेल्स दी होती है, उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन या ट्रेनिंग या उसका जो एक्सपीरियंस होता है या एज फैक्टर है, वो सारा कुछ एक रेफरेंस के थ्रू चेक किया जाता है. तो उसमें रेफरेंस दी जाती है जिसमें किसी भी फेमिलियर पर्सन का, प्रीवियस एम्प्लॉयर का, कोवर्कर का, रिलेटिव का, और फेमिलियर पर्सन किसी भी कैंडिडेट के का डिटेल दी जाती है, जिससे वो अपना डाटा कोई भी एम्प्लॉयर ले सकता है कि ये सच बोल रहा है कैंडिडेट या नहीं. ठीक है. तो दे रिट्रीव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड, फाइनेंशियल कंडीशन एटसेट्रा. इट इज यूज फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. लास्ट प्रोसेस इज फाइनल इंटरव्यू. इसे एचआर इंटरव्यू बोलते हैं. ठीक है. ये एचआर मैनेजर लेता है कंपनी का, जो ये चेक करता है कि इसकी टीम वर्क क्या है या इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सारी चीजें वो फाइंड आउट करता है इन द फाइनल इंटरव्यू. इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. दिस इंटरव्यू इज कंडक्टेड फॉर दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट. उनकी इंटरव्यू होती है जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए. ठीक है. दिस कॉल्ड एचआर इंटरव्यू इन विच एचआर मैनेजर हैज टू टेक फाइनल हायरिंग डिसीजन. इसमें भी कई जो एम्प्लॉयज है उनको बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर नेचर एंड काइंड ऑफ एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड. After this, the organization sends appointment order या job letter to the selected candidate. और जो select हो जाते हैं उनको job letter घर पे भेज दिया जाता है. So this is the process of selection. ठीक है. आपने as it is इसको याद रखना है. जो sources of selection है that is an important question in this. वो भी याद रखना है. जो sources of recruitment है वो भी बहुत important है, उसको भी याद रखना. ठीक है. Next is difference between recruitment and selection. ये 5 marks का question आता है. Very important. So, इसको भी एज इट इज कॉपी पे नोट कर लो. फर्स्ट टाइम मीनिंग. रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो अप्लाई करे फॉर द वैकेंट जॉब. और उसके दो सोर्सेज हमने लास्ट टाइम पढ़े. सिलेक्शन का क्या है, मीनिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब. अब नेक्स्ट स्टेप में वो जॉब के लिए अप्लाई तो कर दिया, और उसमें से जो सिलेक्ट करना बेस्ट कैंडिडेट को, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस. ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्रूटमेंट का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज क्रिएट अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन. ये क्या है, सिलेक्शन के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का एक पूल बनाना या एक ग्रुप बनाना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. और इसका क्या है, टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द जॉब. ठीक है. नेचर क्या है, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. हम पढ़ चुके हैं बिकॉज इसमें किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता, और ये एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें रिजेक्शन हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय की. ठीक है. या कैंडिडेट की. सीक्वेंस क्या है, इट टेक्स प्लेस बिफोर सिलेक्शन, इट टेक्स आफ्टर रिक्रूटमेंट. ठीक है. वो पहले होता है रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन होती है. सो इसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ. इकोनॉमी, इट इज
एन इकोनॉमिक मेथड, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। अब प्रेस में एडवर्टीजमेंट देना वो बहुत इजी है कि एक बार दे दिए एडवर्टीजमेंट या कहीं भी एडवर्टीजमेंट देना वो इकोनॉमिकल मेथड है, बट उसके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करनी है, टेस्ट कंडक्ट करना या जो भी जॉब पोस्टिंग पे उनको बुलाना, दैट इज अ कॉस्टली मेथड। वो टीए भी देते हैं, कई बार उनको डीए भी देते हैं जिनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, सो इट्स एन एक्सपेंसिव मेथड। ठीक है, इन दोनों टॉपिक में से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। मैं फिर कह रहा हूँ आप एक बार इसको जरूर री राइट या री रीड करके देख लीजिए ताकि पेपर में श्योर हो जाए हम कि हमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।